किता रहेंगे वही जिनके हृदय पंच जीवित आदमी जा नहीं सकता और मरा हुआ लौट के आ नहीं सकता।
होता है। माताओं बहनों, ये सिर्फ हमको आपको गुमराह करने के लिए ऐसे चाल बिछाए जाते हैं। अरे आज का मनुष्य चांद तक पहुंच गया भैया, और स्वर्ग नगर, स्वर्ग नरक अगर कहीं होता तो इंसान वहां भी पहुंच जाता। ठीक है, स्वर्ग नरक जो है इसी धरती पे है, इसी जीवन में। हम अच्छा करेंगे हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा, जो है इसी धरती पर है। बाकी इधर उधर आसमान में या धरती के नीचे ये कुछ कहीं भी नहीं। कहना है होता रहे वही जिनके हृदय पंचशीला, होता रहे वही जिनके हृदय पंचशीला है। और भैया उस चोर ने कहा कि भगवान ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा एक दूसरा प्रश्न है आपसे। भगवान बुद्ध ने कहा पूछो, तो उस चोर ने कहा कि लोग कहते हैं कि जो कंठी पहनता है, जो कंठी पहनता है उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, क्या ये सही? तो भगवान बुद्ध ने कहा ठीक, सुनो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब ये हम थोड़ी कह रहे हैं, कबीर साहब कह गए बुरा लगे तो उनको ढूंढो भाई, हम कहा करें। कबीर साहब ने कहा कंठी बांधे हरि मिले तो मैं बांधूं कुंता, मतलब अगर छोटी सी लकड़ी पहनने से भगवान मिल जाता तो मैं बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठर अपने गले में लटका लेता। भाई छोटी सी लकड़ी पहनने से अगर भगवान मिल रहा है तो बड़ी सी लकड़ी पहनने में तो और जल्दी भगवान मिल जाएगा, या किसने कहा अम्मा बहनों? कबीर साहब जी ने कहा। लेकिन आज मेरे भैया कबीर जी के अनुयायी ही सबसे ज्यादा कंठी पहन के घूम रहे। कबीर जी ने ही इस बात का खंडन किया कि कंठी बांधे हरि मिले तो मैं बांधूं कुंदा, और आज कबीर जी के अनुयायी ही कंठी पहन करके घूम रहे सबसे ज्यादा। तो हमें विचार करना चाहिए कि हमारे महापुरुष जो कह के गए हैं, जो बता के गए हैं, थोड़ा उनको अपने जीवन में हमें धारण करना चाहिए। तथागत ने समझाया की जाती थी तो बैलों के गले में वो लकड़ी की का पहनाई जाती, का बोलते हैं? माच, माच बोलते ना, कहीं कहीं जुआ भी बोलते हैं। तो कहा गया उसी बात को, क्या कहने की बात। भैया क्या क्या कह जाए कुछ पता नहीं है। तो सिगाल
चोर ने कहा कि लोग कहते हैं, और लोग क्या कहते हैं कि शंख बजाने से, जो कथा भागवत में शंख बजाया जाता है, ये शंख की ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक पाप भाग जाता है। शंख की आवाज जो मनुष्य सुनता है उसके दुख दूर हो जाते हैं, वो तर जाता है, उसे मुक्ति मिलती है। क्या भगवान ये सही बात है? तो भगवान बुद्ध ने कहा सुनो कि शंख के बजाए से कितने जन कितने जन तरीके। अच्छा अम्मा बहनों, शंख की आवाज सुनी कितने लोगों ने? हाथ उठाओ, शंख की आवाज कौन कौन सुना? अरे हाथ उठा दो। देखो ये ग्राम पूरा चांद से हमारी अम्मा बहने आई हैं, जो बहन जी लोग बड़ा ध्यान से कथा सुनती हुई बड़ा मन से, हाथ उठा दीजिए आप लोग, हाथ उठा दीजिए। पूरा चांद से कितने लोग आई हैं? बाकी लोग हाथ नीचे कर दो। अच्छा ठीक भाई, एक बार जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां इन बहन जी लोगों के लिए बजा दीजिएगा। कह रही थी कि नदी बहुत तेज चल रही है, बड़ा दूर से घूम के आती हैं लोग। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग प्रतिदिन कथा में आती हैं भाई, दिन रात बराबर। एक बार जोरदार ताली हमारी बहनों के लिए बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का। कितने जन तरी, शंख की आवाज कितने लोगों ने सुनी? हाथ उठाओ, जरा ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ। सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी कभी? उसमें तो शंख खूब बजता है, सुना होगा ना। अच्छा एक बात बताइए, गधे की आवाज कितने लोगों ने सुनी? हाथ उठाओ, गधे की आवाज कितने लोगों ने सुनी है? मौसी नहीं सुनी। अच्छा भैया दादा लोग हाथ उठा दे, कितने लोग सुने? भैया लोग सब लोग सुने। कहना है अगर सुना है तो ये बात समझ में आएगी, इसलिए मैंने पूछा। कहना है ओ गदहा नाही तरी गो जाको शंख जैसा सोर है, गदहा नाही तरी गो जाको शंख जैसा सोर है। शंख के बजाए से कितने जन तरी गए, और गदहा नाही तरी गो जाको शंख जैसा सोर है। जो लोग कहते हैं भैया कि शंख की आवाज सुनने से पाप भाग जाता है, मनुष्य तर जाता है, तो इसका मतलब अम्मा बहनों गधा को, मतलब गधे को सबसे पहले तर जाना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि गधे की आवाज ही शंख के जैसी होती भाई, गधे की आवाज ही शंख के जैसी होती है। और बताया भी जाता है गधे के कंठ में शंख पाया जाता है। अब गधा तो दिन रात शंख की आवाज सुनता है, तो अम्मा बहनों उसको तो सबसे पहले तर जाना चाहिए, उसकी मुक्ति तो सबसे पहले हो जानी चाहिए। लेकिन कहां मुक्ति हो गई? बेचारा दिन रात बोझ ढोता रहता है। तो इन बातों से विचार करना चाहिए हमें। होता रहेंगे वही जिनके हृदय भूला भूलैया में भूला नहीं जावे, भूला भूलैया में
बोलो संत कबीर की।